सपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव व पूर्व जिला पंचायत जोगेंद्र सिंह यादव के घर पर दो बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद विधायक के परिवार में डर का माहौल है। यह पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं रामेश्वर सिंह ने अपने और अपने भाई की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने इस घटना के लिए विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के भतीजे मोहित यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ढाई वर्ष पहले मोहित यादव ने कोतवाली नगर के सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा था। आपके घर पर हमला हुआ है, क्या मामला है, कौन लोग थे जो हमला करने के लिए? हमला करने वाले जो सभापति रमेश यादव हैं, उनका भतीजा है, उनके नरेश का लड़का जी। और ये कई बार हमला कर चुका है और इसमें उनके पूरे घर की साजिश है। हमारे भाई या लड़का कोई मिल जा रहा है तो गोली मार देता है या पकड़ कर लेता जी। कितने लोग थे बदमाश हमला कर? अब तीन आदमी दिखाई दिए हैं और उसको तो पहचान लिया, दूसरे को नहीं जानते। तो कोई घर पर था आपके? कोई नहीं, महिलाएं थी खाली और हम अलीगंज थे और जोगिंदर सिंह वहाँ हॉस्पिटल है जेपी नोएडा। क्या मानते हैं आपसे, कोई रंजिश है क्या? नहीं, रंजिश तो हमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो रंजिश मान ही रहे